हाय बच्चों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बहुपद पार्ट थ्री के बारे में पढ़ने वाले हैं दो पार्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें आपने शून्यकों के बारे में सीखा बहुपद के बारे में सीखा बहुपद के शून्यकों के बारे में सीखा ग्राफ पर आप बहुपद के शून्यकों को कैसे दिखा सकते हैं इसके बारे में सीखा आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग और गुणाकों के बीच में संबंध द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल और गुणाकों के बीच में क्या संबंध होता है ये सीखेंगे आज हम सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि शून्यकों की बात कर रहे हैं इतनी तो शून्यक निकालने भी आने चाहिए आप सभी को याद होगा पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया है टू एट प्लस सिक्स, ये बहुपद दिया गया है इसकी शून्यक निकालने का मतलब है कि इस बहुपद में चर का ऐसा मान जिससे वो बहुपद जीरो के बराबर हो जाए तो उसको जीरो के बराबर पहले ही रख देते हैं और चर का मान निकालते हैं अब यहाँ पर हम ए बी सी देखते हैं ए जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है B, जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है और सी जो हमारा अचर पद है है ना अब यहां पर हमें बी को दो ऐसे नंबर्स में बांटना होता है कि गुणा करके ए गुणा सी यानी कि दो गुणा बराबर के बराबर बारह के बराबर आ जाए अब सोचो चिन्ह को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आठ है आठ को आपको दो नंबर्स में तोड़ना है कि गुणा करके बारह है आपको पता है दो और छे है ना आप दो और छह को जोड़ोगे तो आठ आएगा दो और छ को गुणा करोगे तो बारह आएगा लेकिन हमें माइनस आठ चाहिए तो हम माइनस दो और माइनस छ को जोड़ेंगे इसी तरह माइनस दो और माइनस छ को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहता है जोड़ और घटाव में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहता है तो अब हम एक्स ये जो माइनस आठ एक्स है इसको दो हिस्सों में बांटेंगे कैसे माइनस छ एक्स माइनस दो एक्स प्लस छह बराबर है जीरो इन दोनों में से दो एक्स कॉमन ले सकते हैं तो एक्स माइनस तीन बचेगा इन दोनों में से माइनस दो ले सकते हैं तो एक्स माइनस तीन बचेगा बराबर है जीरो, जीरो. पर क्या करने वाले एक्स माइनस तीन को जीरो के बराबर रखेंगे दो एक्स माइनस दो को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर है आ गया तीन यहां से दो एक्स बराबर आ गया दो और एक्स बराबर है दो बटे दो मतलब एक तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गए बच्चों बहुपद के शून्य अभी मैं यहां से रेज कर देती हूँ जिनको हम पहले बहुपद को अल्फा कह सकते हैं दूसरे बहुपद को बीटा कह सकते हैं बीटा कह सकते हैं बीटा हम कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं तो अल्फा और बीटा हम बहुपद के शून्यकों को कह सकते हैं सबसे पहले हमने बहुपद के शून्यक निकाल लिए अगला स्टेप क्या है अब हम देखेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता क्या है अगर हमारे पास है शून्य अल्फा और बीटा तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा अब होता किसके बराबर है ये ये बराबर होता है माइनस बी बटे ए और ये बराबर होता है सी बटे ए अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर के माइनस बी बटे ए माइनस बी होता क्या है माइनस की जगह माइनस बी क्या है बी ध्यान से देखेंगे बी है एक्स का गुणाक एक्स का गुणाक या एक्स इंग्लिश में कह सकते हैं बटे में ए, ए क्या है का गुणाक जो एक्स स्क् के साथ गुणा हो रहा है इसी तरह सी क्या है सी तो अचर पद है जो सबसे लास्ट वाला है जिसके साथ कोई चर नहीं होता फिर से ए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणाक आ जाएगा है ना सभी बच्चे वीडियो पॉज करें इसे नोट कर लें और तभी आगे बढ़े है ना ताकि हम ये क्वेश्चन में यूज कर पाए अब क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड आपको बहुपद दिया गया है इसकी शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है सबसे पहले इसमें से ए बी सी ज्ञात करेंगे ए क्या होगा बच्चों? जो एस स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है बी क्या होगा जो एस के साथ गुणा हो रहा है सी क्या होगा जो एक है और शून्यक मान लेते हैं शून्यक क्या है हमारे पास अल्फा और बीटा तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और वो किसके बराबर होता है हम अभी, अभी पढ़ के आए हैं वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस की जगह माइनस रखेंगे बी की जगह क्या है माइनस चार तो माइनस चार ए की वैल्यू क्या है चार तो माइनस माइनस प्लस चार बटे चार बराबर है एक तो शून्यकों का जो योगफल है वो एक के बराबर आ गया ठीक है अब कि चीज शून्यकों का गुणनफल निकालना है ठीक है गुणा करना है किसके बराबर होता है वो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं मैंने इसीलिए आपको कहा था कि नोट कर लें वरना आपको बार बार वीडियो पीछे करके देखनी पड़ेगी वीडियो को पॉज कर लें जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है उन्हें नोट कर लें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इनको नोट कर लें अब देखें सी क्या है सी हम पहले लिख चुके हैं एक ए क्या है चार तो शून्यकों का गुणनफल आ गया एक बटे चार तो इस प्रकार हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दिए गए बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए क्वेश्चन से हम दो चीजें सीख जाएंगे पहला शून्य का योगफल और गुणनफल कैसे निकालना है शून्यकों को कैसे निकालना है और दूसरी चीज अगर आप एग्जाम में अपना आंसर खुद कैसे चेक कर सकते हो आपको ये भी पता चल जाएगा सबसे पहले इसका शून्यक हमें खुद निकालने पड़ेंगे तो हम सात एक्स को दो हिस्सों में बांटेंगे कि गुणा करके दस आए तो ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं पांच और दो क्योंकि पांच दो नहीं दस पांच प्लस दो सात प्लस दस बराबर है जीरो ठीक है इसको हम बहुपद पी एक्स मार लेते हैं और ये बराबर है जीरो रखना पड़ेगा बहुपद का, का शून्य निकालने के लिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या है एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस पांच इन दोनों में से कॉमन क्या है दो तो फिर एक्स प्लस पांच बचेगा बराबर है जीरो पूरे में से एक्स प्लस पांच कॉमन आ गया एक्स प्लस दो बराबर है जीरो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे एक्स प्लस पांच बराबर है जीरो एक्स प्लस दो बराबर है जीरो तो एक्स बराबर है माइनस पांच एक्स बराबर है माइनस दो यानी कि अल्फा बराबर है माइनस पांच बीटा बराबर है माइनस दो पहले आपने शून्य निकाल लिया यहाँ तक अब आपको शून्य पता चल गए अब हमने क्या करना है सत्यता की जाँच कर है कि क्या ये ठीक है कि नहीं है हमें पता है कि शून्यकों का जो योग होता है वो बराबर होता है माइनस बी बटे ए के शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है सी बटे अल्फा इंटू बीटा है ना अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए के बराबर आप देखते हैं कि क्या ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं सबसे पहले इस बहुपद में आपको ये जानना जरूरी है कि ए बी सी है क्या ए एक है बी सात है और सी दस है ये तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन में देखना अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस पांच है और बीटा क्या है माइनस दो है माइनस की जगह माइनस बी की जगह बी का मान भर दिया ए की जगह ए का मान भर दिया अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस पांच प्लस गुणा माइनस माइनस दो माइनस सात बटे एक माइनस सात तो आप देखेंगे माइनस सात बराबर है माइनस सात के या सात बराबर है सात भी आप इसे लिख सकते हैं तो योगफल तो वेरीफाई हो गया अब अगला पार्ट क्या है अल्फा गुणा बीटा यानी कि माइनस पार्ट गुणा माइनस दो तो बराबर किसके आ जाएगा दस बटे एक सी बटे ए दस बटे एक तो इन दोनों को गुणा करके दस बराबर है दस तो अब आप अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है अब पेपर में आप थोड़ा सा इस तरह से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं एक बार मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लें चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखे आपको बहुपद के शून्य दिए गए हैं और क्यू ठीक है आपको पी और क्यू का डायरेक्ट मान याद नहीं करना है और वन माइनस पी गुणा वन माइनस क्यू का मान याद करना है पी और क्यू का खुद से मान नहीं निकालना है लेकिन वन माइनस पी गुणा वन माइनस क्यू निकालना है आप सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे गुणा कर लेते हैं एक की गुणा जब एक माइनस क्यू से होगी तो एक माइनस क्यू आ जाएगा माइनस पी की गुणा एक माइनस क्यू से करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो एक माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा यहाँ पर प्लस पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे एक की जगह एक रखते हैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं इसे क्यू प्लस पी रख लेते हैं और इसे पी क्यू रख लेते हैं अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है शून्यकों का योग ये क्या है शून्यकों का गुणनफल जो कि हम क्वेश्चन में आसानी से निकाल सकते हैं है ना अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन से क्या आ जाएगा यहां से देखें तो ए बराबर है तीन बी बराबर है चार सी बराबर है 4, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए तो शून्यकों का योग क्या आ गया यानी कि अब यहाँ पर हम पी प्लस क्यू लिख सकते हैं शून्य पी है ना पी प्लस क्यू बराबर है माइनस चार बटे तीन है ना और इसी तरह अल्फा गुणा बीटा हम लिख सकते हैं सी अपॉन कौन अल्फा गुणा बीटा मतलब पी गुणा क्यू सी कितना है माइनस चार और बटे तीन ठीक है अब हम उसे अपने समीकरण में भरते हैं हमें किसका मान निकालना है हमें निकालना है वन प्लस पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी सॉरी माइनस था यहाँ पे बच्चों प्लस पी क्यू तो वन माइनस अब p प्लस क्यू की जगह क्या लिखना है हमें माइनस फोर बटे थ्री और इसकी जगह भी माइनस फोर बटे थ्री अब हम माइनस माइनस प्लस चार बटे तीन प्लस माइनस माइनस चार बटे दो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे एक प्लस का एक माइनस का है तो कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों आंसर यहाँ पर आ गया एक वीडियो पॉज करें एक एक स्टेप को देखें और स्क्रीन शॉट ले लें स्क्रीन शॉट नहीं बल्कि अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करें जो स्टेप समझ में नहीं आए वो डाउट क्लास में अवश्य पूछें अब अगली चीज समझते हैं मान लीजिए आपको शून्यकों का योग भी दिया गया हो गुणनफल भी दिया गया हो आपको बोला जाए अब इससे समीकरण बनाओ द्विघात समीकरण बनाओ या द्विघात बहुपद बनाओ बहुपद में बराबर जीरो नहीं लगाएंगे समीकरण में बराबर जीरो लगाएंगे तो निकालते कैसे हम निकालते हैं एक्सक्वायर माइनस शून्यको का योग गुणा एक्स प्लस शून्यको का गुणनफल बराबर है जीरो अगर समीकरण निकालना है तो इस तरह से अगर बहुपद निकालना है तो हम बराबर है जीरो नहीं रखेंगे है ना बहुपद निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं अब आपको पता है शून्यको का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यको का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा तो वही चीज हमने यहां पर लिख दी कि एक्सक्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और उसकी गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा ये हमारा बहुपद बन जाएगा चर एक्स इस फॉर्मूला को भी सभी बच्चे नोट कर ले चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब अगर मान लो कुछ क्वेश्चन को आसान करने के लिए शून्यकों को सम को हम ऐसे दिखा देते हैं योग को एस से क्योंकि एस फोर सम एंड पी फोर प्रोडक्ट तो हम शॉर्ट करने के लिए एस एकस, जो भी हमारा चर होगा सम यानी यानी योग गुणनफल प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अब क्वेश्चन करके ज्यादा अच्छे समझ में आएगा द्विघात बहुपद की याद कीजिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल एक कॉमा एक हो हमें पता है एक्सक्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस गुणनफल हम ऐसे बहुपद निकालते हैं है ना तो क्या हो जाएगा एक्सक्वायर माइनस योग की जगह क्या लेना है एक गुणा एक्स गुणनफल की जगह भी एक लेना है तो अब बहुपद क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आप सभी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं योग की जगह योग का मान रखना है गुणनफल की जगह गुणनफल का मान रखना है आप यहां से देख भी सकते हैं अब यहां पे आप एक चीज नोट करेंगे कि हम के की बात भी कर रहे हैं है ना तो अगर यहां पर हमें पता है कि यहां पे हर में कुछ भी नहीं है तो हम के का मान एक ले लेते हैं हर देखना है जो भी यहां पर हर होगा वही आप के का मान लेंगे अगला प्रश्न देखेंगे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है तो x2 योग गुणा x गुणनफल है ना इस तरह से हम लिखेंगे एक्सक्वाइनस अब ध्यान देने की बात है यहाँ पे योग कितना है जीरो तो जीरो गुणा गुणनफल कितना अंडर रूट पांच तो आपका बहुपद क्या बन गया एक्सक्वायर माइनस अंडर रूट पांच तीन लाइन्स में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है अल्फा बराबर है अंडर रूट टू प्लस वन बीटा बराबर अंडर रूट टू माइनस वन द्विघात बहुपद के शून्यक है तो आपको पी बहुपद निकालना है अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से कैसे अलग है सभी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं और आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है है ना ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया गया है हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस योग गुणा एक्स प्लस गुणनफल ये होता है है ना अब यहाँ पे आपको योग निकालना पड़ेगा योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा हम इसको सी से रिप्लेस कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना पड़ेगा अल्फा क्या है अंडर रूट टू प्लस वन बीटा क्या है अंडर रूट टू माइनस वन गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा अंडर रूट टू प्लस वन गुणा अंडर रूट टू माइनस वन आपको पहले इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू और अंडर रूट टू को जोड़ेंगे तो टू अंडर रूट टू आएगा एक और माइनस एक कट गया बचेगा एक्स अंडर रूट दो प्लस एक अंडर रूट दो माइनस एक अगर आप यहाँ पर सर्वसमिका लगाए ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी तो वो बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो मतलब अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार मैं अपना कैमरा ऑफ करके इसे सॉल्व कराती हूँ दो तो दो कर दो एक एक तो इन दोनों का गुणनफल एक आएगा तो ये हमारा बहुपद बनेगा हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या दिया गया है आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है या बस शून्य दिए गए हैं तो आज की क्लास में हमने ये तीन चार टॉपिक पढ़े हैं शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं और बहुपद कैसे बनाते हैं है ना चलिए आज की क्लास में आपने जो भी सीखा है उसके आधार पे आपसे आगे तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है आपने ध्यान से उन क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, है ना तो प्रश्न एक प्रश्न दो प्रश्न तीन आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी बच्चे अपने सारे डाउट्स नोट करें और अभी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा उसमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम इसमें कुछ और सुधार कर सकते हैं या नहीं धन्यवाद मिलते हैं अगली क्लास में